अक्सर ये डिस्कशन होता है कि आखिर तथास्तु में ऐसा क्या खास है कि हाँ वहाँ पे बच्चे क्यों पढ़ने आए. तो देखिए, सब्जेक्ट कोई चेंज नहीं कर सकता, चाहे एक्स व्यक्ति पढ़ाए, चाहे वाई व्यक्ति पढ़ाए, चाहे जेड व्यक्ति पढ़ाए, पढ़ाएगा वो हिस्ट्री ही. क्या हिस्ट्री कोई चेंज कर सकता है, या कोई बायोलॉजी चेंज कर सकता है, क्या कोई पॉलिटिक्स पॉलिटी चेंज कर सकता है? नहीं चेंज कर सकता, वही आर्टिकल्स हैं, वही अंडरस्टैंडिंग है. लेकिन हाँ, यूपीएससी की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या है? ये नहीं कि सब्जेक्ट्स क्या हैं या वही बुक्स हैं, लेकिन बात ये है कि उन बुक्स में से भी किस चीज़ पर ध्यान देना है और किस चीज़ पर नहीं. सेम ही किताबें पढ़ के जाते हैं सब, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे सवालों के जवाब दे पाते हैं, कुछ नहीं दे पाते, क्योंकि सिर्फ पॉलिटी पढ़ा देना या हिस्ट्री पढ़ा देना वो अपने आप में काम को ख़त्म नहीं करता यूपीएससी के लिए, क्योंकि यूपीएससी इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम. यहाँ पे एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट टू रीड एंड हाउ टू मेक यूज़ ऑफ इट, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अक्सर पहली व्हाट टू रीड सब लोग कंप्लीट कवर करने की कोशिश करते हैं, ऑफ कोर्स हम भी करते हैं. दूसरा एस्पेक्ट हाउ टू रीड, इसके ऊपर बहुत कम लोग काम करते हैं, बहुत कम लोग इन द सेंस. और अगर थोड़ा बहुत वो कहीं पर कवर होता है तो आजकल उसे मेंटोरशिप के थ्रू कवर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन तब भी हाउ टू रीड पे बड़ा सुपरफिशियल लीपा पोती वाला काम हो रहा है. हम एक तथास्तु पे ये कोशिश करते हैं कि हम हाउ टू रीड वाले एरिया को भी कम्प्लीटली कवर करें, जहाँ पे बच्चा पढ़े कैसे. किताब तो मिल गई, नोट्स भी मिल गए, लेकिन पढ़े कैसे उस पे काम करें. और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो पढ़ लिया उसे यूज़ कैसे करें, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ तो सब रहे हैं, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सिलेक्शन के अंदर जब आते हैं, जब वो प्रिलिम्स देते हैं, तो वो यूज़ नहीं कर पाते अपनी इन्फॉर्मेशन को. सो हमारा पूरा फोकस रहता है, हमारी कोशिश रहती है कि पहले तो हम बच्चे को उतना पढ़ाएं जितना ज़रूरत है, जितना उसके एग्ज़ाम के लिए चाहिए, और कैसे पढ़ने के साथ साथ वो उसे कैसे यूज़ करे उसके ऊपर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है. दिस इज़ द मेन USP ऑफ तथास्तु, वेयर वी लुक एट थिंग्स कि जो बच्चे ने पढ़ा वो उसे यूज़ कर सके, क्योंकि ये ही तो एक मेजर रोल है एक टीचर का. एक टीचर का क्या रोल है कि वो बच्चे को जो उसने पढ़ा दिया वो उसे यूज़ कर पाए. तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ द USP ऑफ तथास्तु.